गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो तारीख है वो है 5 जुलाई और ट्यूजडे का दिन है आज। और आज एक स्टॉक को जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो स्टॉक है एयू बैंक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एयू फाइनेंशियल बैंक को आज हम शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। और एयू बैंक को जो मैंने शॉर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं 569.95 पे मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है। और जो इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है 573.25, और जो टारगेट प्लेस किया हुआ है 556.25 का। ठीक है, और मेरे ऑर्डर सारे लगे हुए 81 क्वांटिटी को ही शॉर्ट किया हुआ मैंने। ठीक है, मैंने टारगेट यहाँ प्लेस किया हुआ है। तो ये आज का मेरा ट्रेड है। तो लेट्स सी, एक्चुअली मार्केट तो पॉजिटिव है, बट जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो मुझे दिखा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि ये नीचे की तरफ इसको ट्रैवल, मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए, इस तरह का जिस तरह का इसने पैटर्न क्रिएट किया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे एंट्री तो बना ली है, और इस ट्रेड को पूरी तरह से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मेन सेक्टर और मतलब निफ्टी है मार्केट, उसके थोड़ा सा अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसको काफ़ी टाइम लगे, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो जैसे भी वर्क करेगा उसको देखते हैं, बट अब इस ट्रेड में बने रहते हैं। और मैं आपको वीडियो के सेकेंड पार्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिलेगा। तो मैं आपसे सेकेंड पार्ट में मिलता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं समय जो हो रहा है 2:43 हो रहे हैं, और अभी तक हमारा टारगेट हमें मिला नहीं है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, अपना जो टारगेट है उसको रिवाइज़ करके मैंने 560.50 पे अपना टारगेट प्लेस कर दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअली एक सपोर्ट एरिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आकर सपोर्ट ले, क्योंकि अभी टाइम भी बचा नहीं हमारे पास। तो इस वजह से मैंने जो है अपना टारगेट रिवाइज़ करके 560.50 कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखना होगा कि हमें अपना जो रिवाइज टारगेट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं आप समय जो हो रहा है 3:05 हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हमने जो टारगेट को रिवाइज़ किया था, आप देखिए यहाँ पे मैंने टारगेट को जस्ट रिवाइज़ किया था, और अभी प्राइस जो है टूट करके नीचे आया है, और हमारा जो एक्चुअल टारगेट था उसके आसपास ये आ गया है। ठीक है, तो इसके प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है कि ये टारगेट भी हिट कर दे, क्योंकि इसने जो है यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था उसको तोड़ दिया है। ठीक है, तोड़ करके नीचे आया है, तो इसकी हाई चांसेस है कि अब ये टारगेट की तरफ आराम से चला जाए। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली जो टारगेट रिवाइज़ किया था वो किया था, उसके दो रीज़न थे। एक तो सबसे पहले तो टाइम काफ़ी हो चुका था, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे लगा था शायद ये, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल का जो प्रीवियस डे का लो था, तो यहाँ पे सपोर्ट जैसा फॉर्मेशन हुआ था इसका, उस वजह से मैंने क्या किया, समय कम होने की वजह से और साथ में ये जो सपोर्ट बना हुआ था कल का, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने टारगेट को रिवाइज़ कर लिया था यहाँ पे इसी लेवल्स पे। बट हुआ यूँ कि ये इसको भी तोड़ करके अभी नीचे आया है। ठीक है, और बहुत ही आसानी के साथ देखिए, अभी हमारा टारगेट हमको अभी एक्चुअल टारगेट जो है हिट कर गया ये। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जो भी हमें मिला है एक अच्छा ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ और एक रफली, तो हमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है वो मिला है तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है 1:2.9 का मिला है, यानी कि 1:3 के आसपास का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। और जो एक्चुअल ये ट्रेड था, ये जो ट्रेड एक्चुअली था वो था 1:4 के आसपास का। क्वांटिटी 81 क्वांटिटी को ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, और इसका जो एंट्री हमने लिया था 569.95 पे, और इस 560.50 पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब 750 का प्रॉफिट है। तो 1000 रुपीज़ के आसपास का हमारा टारगेट था, जो कि हमें हमने जो है हम पहले एग्जिट कर गए। तो अब ये ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों एग्जीक्यूट किया हूँ, इसके सारी लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा ट्रेड आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं सारी लाइनें यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, मेरा ये ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या है। ठीक है, जिस जो भी ब्रेक करके मैंने ट्रेड लिया हूँ वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल चीज़ों पर मैं काम करता हूँ जितना हो सके, और सिंपली तरीके से मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल EM लगाता हूँ 200 का, तो उससे ये समझ में आ गया कि स्टॉक जो है वीक या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, एक ये कंफर्मेशन हो जाती है, एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए रखता हूँ मैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टॉक एक्चुअली अगर आप देखो डेली चार्ट पर, तो ये इस तरह से जिगजैग अगर मैं इसका लगा दूँ लोअर लो फॉर्मेशन में है, यानी कि डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसका अगर आपको ये स्विंग इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग्स पॉइंट है, जैसे कि अगर यहाँ देखो आप यहाँ से, क्योंकि इस जगह पर देखिए आप, तो यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग, ये एक सपोर्ट जोन है एक्चुअली इसका, अगर मैं आपको बताऊँ ये एक सपोर्ट जोन है।
क्योंकि इसने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इसका एक जोन है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जोन ये बन जाता है। ओके, और अगर मैं इसको यहाँ पर इसको जब मैंने 5 मिनट्स पर अगर आपको ओपन करके आपको दिखाऊं, फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ हमको लाइव मार्केट में इसको समझना होता है बस, और ठंडे दिमाग से अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी, ठीक है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मैं इसको 5 मिनट्स में भी अगर दिखाऊँ यहाँ से आपको, ठीक है, तो देखिए 5 मिनट्स में भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है, एक जोन है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से जब मैंने इसको देखा मॉर्निंग में, तो हुआ क्या था, एक स्टॉक तो वीक था ये, ठीक है, एक वीक स्टॉक था, और साथ ही में जब ये अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करने लगा, तो सबसे पहले 5 मिनट्स की कैंडल में कुछ इंडिकेशन मुझे मिल गई, ठीक है। इंडिकेशन इस तरह मिली कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिजेक्शन मिला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेट किया, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, थोड़ा सा जब मैंने इसके अंदर इंतज़ार किया, तो सिंपली मुझे ये समझ में आया, यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से नीचे आकर जब प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, इंट्राडे का एक हाई बनाने की कोशिश करी इसने, बट प्राइस देखिए इंट्राडे का नया हाई बना करके क्लोज नहीं किया और सीधा नीचे आया, ठीक है। तो ये कैंडल ने मुझे काफ़ी कुछ इंडिकेट कर दिया, क्योंकि इस कैंडल में देखिए आप प्राइस को रिजेक्शन मिला है, साथ में अगर इसके अंदर वॉल्यूम्स है और साथ में रिजेक्शन मिला है, तो एक समझ में ये आया कि जो अभी जो बायर्स है यहाँ से इसको प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो इतने अच्छे से सक्सेस नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर बायर्स यहाँ पर प्राइस को ऊपर लेके जाने में सक्सेस नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ टूटे। ओके, तो यहाँ पर एक लॉजिक ये लग गया, मतलब यहाँ पर अपना कुछ एक लेवल्स निकाल करके, ठीक है, एक 569 पे मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था, साथ ही में इसका जो स्टॉप लॉस रखा था, इंट्राडे का हाई रखा था, और जो मैं टारगेट मैंने प्लेस किया था, ठीक है, जो टारगेट भी बता देता हूँ, मैंने आपको टारगेट का लॉजिक मेरा ये था, और मेरा लॉजिक जो मैंने लगाया था वो लॉजिक एक्चुअली सही तरीके से काम कर गया, बट मैं उस टारगेट तक रुक नहीं पाया क्योंकि समय काफ़ी हो गया था, उस वजह से मुझे एग्ज़िट करना ही मैंने सही समझा। तो टारगेट लगाने का मेरा जो लॉजिक था, मैंने जो टारगेट प्लेस किया था वो मैंने कुछ अराउंड इस जोन के आसपास मैंने अपना टारगेट प्लेस किया हुआ था, ठीक है। अगर आप देखो तो इस ये एक लेवल से, यहाँ पे भी एक लेवल से, इसके आसपास मैंने अपना टारगेट प्लेस किया था, जो कि टारगेट बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखने को मिला, बट हमने यहाँ पे अपना टारगेट को रिवाइज़ कर लिया था अराउंड इस लेवल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट था और टाइम हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने टारगेट रिवाइज़ कर लिया था, और इस तरह से हमारा ट्रेड आज का रहा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की, ठीक है, आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियो एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, और अभी मेरी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।